कोरोना काल के मसीहा कहलाने वाले अभिनेता सोनू सूद के अलग अलग ठिकानों पर हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी और इन छापों पर हाल ही में जहां सोनू सूद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वहीं जब उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसरों के रिएक्शन भी बताए तो वहीं उन्होंने अब इनकम टैक्स ऑफिसरों के रिएक्शन भी बताए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी इनकम टैक्स ऑफिसरों के द्वारा सवाल पूछे गए मैंने उसके जवाब दिए, मैंने अपना काम किया और उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके जवाब दिए हैं और यही मेरा काम है और अब भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूं और इस प्रोसेस का एक हिस्सा हूं। इधर सोनू सूद ने आगे कहा कि मैंने इनकम टैक्स के अफसरों से पूछा भी था कि क्या आपने कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स और पेपर वर्क देखे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था नहीं और वो ये देखकर काफ़ी खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके लिए अभी तक की सबसे आसान रेट थी। इसके अलावा खाते में गैर कानूनी विदेशी कैश के ट्रांसफर पर सोनू सूद ने कहा है कि मेरे पास करीब 54,000 बिना पढ़े हुए मेल, हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, ट्विटर आदि हैं। 18 करोड़ खत्म करने के लिए 18 घंटे भी नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास चाहिए कि हर एक पैसा सही इंसान और ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है। इससे पहले भी सोनू सूद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सख्त राहों पर भी आसान सफ़र लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। और आगे अपने पोस्ट में सोनू सूद लिखते हैं कि आपको हमेशा अपना पक्ष रखने की ज़रूरत नहीं है, ये समय करेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। मेरे फाउंडेशन का एक एक रुपया हर कीमती जिंदगी बचाने और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। बता दें कि आयकर विभाग ने सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी मामले में मुंबई, नागपुर, जयपुर सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी।